ओके, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम अब नेक्स्ट टाइप को समझते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एल ऑफ एक्स, यहाँ पर ये चारों जो एलिमेंट हैं वो एक्स के फंक्शंस हैं, और इसको जब मुझे डिफरेंशिएट करना है तो ऑपरेटर लगाना है डी अपॉन डी एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश, जी ऑफ एक्स डैश, एच ऑफ एक्स डैश, एल ऑफ एक्स डैश, राइट। तो इस टाइप को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की मदद, उन्हीं डिफरेंशिएशन फॉर्मूले की मदद से हमको मैट्रिक्स को डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बना लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, या हम ले लेते हैं माइनस फाइव एक्स, और या हम ले लेते हैं थ्री। ओके, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑलवेज जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया जाता है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो मैं a को डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो होगा 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, माइनस फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस फाइव, और थ्री एक कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ज़ीरो। ओके, तो इस टाइप को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को याद होना ज़रूरी है। अगर ये समझ में आपको नहीं आया एग्जांपल, तो आप प्लीज़ पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को एक बार रिवाइज़ कीजिए, और देन इस वीडियो को देखिए, आपको डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। ओके।